वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो टाइगर 3 थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है। आप में से बहुत से भाई लोगों ने देख भी ली होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग सचमुच सोच जरूर रहे होंगे कि भाई हम देखें या ना देखें, क्योंकि मैं भी अभी ना थोड़ा सा हिल गया हूं कि भाई ऐसा क्या हो रहा है। मतलब हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ बड़ी बड़ी मूवीज के रिव्यू की ये रिव्यूज देखे, बट टाइगर 3 का अलग ही सीन चल रहा है। मतलब बड़े बड़े क्रिटिक्स की अगर मैं बात करूं, छोटे क्रिटिक्स पे बाद में आता हूं, बड़े बड़े क्रिटिक्स की भाई, उनमें से कुछ क्रिटिक्स ऐसे हैं जो टाइगर 3 को 3 स्टार दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 4 स्टार दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि फिल्म अच्छी नहीं है, कुछ बोल रहे हैं कि फिल्म बहुत अच्छी है। यार भाई क्या हो रहा है, मतलब कमाल सीन है। अब देखो, मैंने भी अपने रिव्यू में बोला फर्स्ट हाफ डिसेंट है, स्टोरी बिल्डअप होती है, भाई होना ही था ना। देखो पता है क्या ऑडियंस को टाइगर 3 से इशू क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूं। ऑडियंस को नहीं, यहां पर एक बात और नोट करो, मैं आपको बताता चलूं भाई, जो ऑडियंस पब्लिक जा रही है ना भाई, पब्लिक के जितने भी रिव्यूज हैं वो सारे क्रेजी हैं। जी हाँ, आप डिफरेंट चैनल्स हैं बड़े बड़े वायरल, बॉलीवुड है आई थिंक सो, और भी 2-3 हैं, आप उनके ना जस्ट टाइगर 3 के पब्लिक रिव्यूज देखना, आप बोलोगे कि यार हो क्या रहा है। मतलब पब्लिक रिव्यूज सारे परफेक्ट आ रहे हैं, पब्लिक ने बोला है कमाल फिल्म है, ये है वो है, सब खुश हैं। इवन तक कि अगर आपको थिएटर्स की भी वीडियो कहीं से देखी हो, मैं भी आपको अभी एक वीडियो दिखाता हूं, आप ये वीडियो देखें। देख ले थिएटर्स के अंदर भी भाई पब्लिक का ठीक रिएक्शन है, पब्लिक को फिल्म पसंद आ रही है। बट बड़े बड़े क्रिटिक्स भाई उनका कहना है कि फिल्म अच्छी नहीं है, कुछ कुछ ज्यादा की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे हैं। अब ऐसा क्यों है, देखो मैं आपको सिंपल बात देता हूं ना, मुझे जहां तक समझ आती है कुछ बड़े बड़े क्रिटिक्स जो भी हैं, अब गाइस उनमें से ना मेजोरिटी को टाइगर 3 की कहानी पसंद नहीं आई, कि फिर वही मतलब के देश को बचाना, मतलब एक बात है ना, तो सारा यही सीन। अब देखो मैं यहां पर एक बात बोलूंगा कि भाई देखो, ये YRF स्पाई यूनिवर्स ना एजेंट पर बेस फिल्म है। एजेंट का काम क्या होता है, अपने कंट्री को बचाना, बस भाई साहब। इसके अलावा वो आपको फिल्म में क्या दिखाए, वो आपको फिल्म में KGF तो दिखाने से रहे, या फिर जवान तो वो आपको दिखाने से रहे, या RRR तो वो आपको दिखाने से रहे। देखो मैं क्या ना, मैं देख रहा था कि बहुत से लोगों ने ना, अभी शाहरुख का कैमियो हुआ था टाइगर 3 के अंदर, आपने देखा भी होगा जो लोग देखकर आए हैं, तो सब लोग पता है क्या कर रहे थे, सब लोग इसको कंपेयर कर रहे थे RRR के साथ, कि भाई वो SS राजामौली को देखो कि RRR में उन्होंने भाई NTR एंड रामचरण की दोस्ती को कैसे दिखाया है। एंड यहां पर शाहरुख का कैमियो हो गया दोनों साथ में, मतलब एक सीन था प्रॉपर, लेकिन साथ में होकर भी वो दोनों साथ नहीं लग रहे थे। तो देखो यहां से सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये हमारी थिंकिंग है, जी हां हमारी थिंकिंग है, हमारी नजर में या तो शाहरुख खान बड़े हैं या सलमान खान बड़े हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं तो ऑफकोर्स फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है। बट उधर भाई साहब जब बात हुई RRR की, तो रामचरण देखिए हिंदी मेजोरिटी ऑडियंस ने ना बहुत कम मूवीज देख रखी होंगी, NTR की भी बहुत कम मूवीज देख रखी होंगी, रामचरण की भी, इसीलिए वो दोनों उनकी नजर में इक्वल थे और दोनों कमाल लगे। लेकिन यहां पर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं शाहरुख का कैमियो क्यों है, ये वो एटसेट्रा डिफरेंट, भाई सब थ्योरीज अलग लेवल की बनाई जा रही है। और वैसे भी RRR को कंपेयर ही नहीं कर सकते, RRR का बजट ही 550 करोड़ से ज्यादा था, 600 करोड़ के तो वो बजट में फिल्म बनी, उससे हाफ में तो टाइगर 3 बनी है, तो कंपेरिजन हो ही नहीं सकता। अच्छा बात हो रही थी कहानी की, कि कुछ क्रिटिक्स को ना कहानी पसंद नहीं आई, तो इसमें मैं ये बोलूंगा कि भाई ये एक एजेंट टाइप फिल्म्स है ना, एजेंट का क्या मकसद होता है, अपने कंट्री को बचाना, अब खुद को बचाना ना दुश्मन के आगे, मतलब दुश्मन के जाल में फंसने से वो खुद को बचाता है, और क्या वो दिखाएंगे आपको। ऑलरेडी 4 बड़ी मूवीज इस पे आ चुकी हैं, एक था टाइगर जिंदा है वॉर, या फिर उसके बाद पठान, अब भाई टाइगर 3 में भी वही होगा, और फ्यूचर में भी जो मूवीज आने वाली है टाइगर वर्सेस पठान या वॉर
2, उनमें भी सब वही होगा भाई साहब, और क्या होना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज की मैं जरूर भाई साहब बोलूंगा कि अब ना ये आदित्य को, YRF को, अब पाकिस्तान से इनको निकलना चाहिए, मतलब बार बार पाकिस्तान। हाँ, ये एक है सीन, मतलब एक था टाइगर 2012 में आई थी और अभी टाइगर 3 आई है 2023 में, ऑलमोस्ट 11 ईयर्स गुजर गए लेकिन ये पाकिस्तान से नहीं निकल रहे। समथिंग किसी और कंट्री को पकड़े भाई, आप वायरस पे यूनिवर्स को थोड़ा ह्यूज लेवल पर ले जाएं भाई, बड़े बड़े कंट्रीज दिखाएं, कुछ अलग लेवल का दिखाएं, एटम बॉम्ब यार, एक हाई लेवल ले जाए ना। अब टाइगर 3 देखो एक हाई लेवल फिल्म थी, हाई लेवल, लेकिन वही पाकिस्तान। अब ठीक है, कहानी में यही होगा भाई साहब, ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान की बजाय कोई और कंट्री भी होगा, कहानी सेम ही रहेगी, अपनी कंट्री को बचाना। बहुत से लोग ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्टेड ही होगी ना मेरा भाई स्टोरी, कंट्री को बचाना है तो बचाने में क्या क्या होगा, तो वही होगा ना, और क्या हो सकता है। और दूसरी साइड पे मुझे ये समझ नहीं आई कि जो लोग इस फिल्म को ना अच्छा बोल रहे हैं तो वो क्यों अच्छा बोल रहे हैं यार, कमाल करते हो मेरा भाई। और स्पेशली अब तो सबको पता चल ही होगा कि ना के टाइगर 3 के अंदर ऋतिक रोशन का भी कैमियो है भाई, ऑलरेडी न्यूज थी, क्या करते हो। तो अब देखो ये सारी चीजें इतनी कमाल थी, लेकिन उसके बाद भी भाई ऑडियंस को, हाँ नो डाउट सब ना पता है क्या, मनीष शर्मा की डायरेक्शन पे सवाल उठा रहे हैं। पता है क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि उनको ना आदत पड़ चुकी है सिद्धार्थ आनंद की। सिद्धार्थ आनंद ने वॉर डायरेक्ट की, पठान डायरेक्ट की, उन दोनों को एक अलग लेवल पर लेकर गए। अब मनीष शर्मा, एक देखो एक बात तो क्लियर है, मनीष शर्मा सिद्धार्थ आनंद के लेवल के डायरेक्टर नहीं है। मुझे लगा था जिस तरह की टाइगर 3 की अपडेट्स मिलती थी, मुझे लगा था कि मनीष शर्मा की डायरेक्शन बाप लेवल होगी, बाप लेवल नहीं है मेरा भाई। जी हां, बाप लेवल नहीं है, बाप लेवल सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शन है, और वॉर 2 की डायरेक्शन वही कर रहे हैं। खुद देख लो ना, जो लोग टाइगर 3 देख कर आए हैं, ऋतिक को देखने के बाद वो एक बार हिल गए होंगे भाई साहब। NTR भाई बिगेस्ट एनिमी होने वाला है वो वॉर 2 के अंदर, आप लोग हिल जाएंगे। जिन लोगों ने टाइगर 3 देखी है उनको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, एक बहुत बड़ा। अब देखो ना, मैं तो इतना हैप्पी हुआ कि भाई वॉर 2 को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे, मतलब मुझे काफी ना यार, वॉर 2 को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे यार, ये तो कंफ्यूजन हो गया भाई। देख लेना यार, वॉर 2 का डायरेक्टर कौन है, अयान मुखर्जी तो नहीं है? हाँ ना यार भाई, अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन चलिए वो भी ठीक ही हैं आई थिंक, वो भी ब्रह्मास्त्र में उनकी थी, ठीक थी, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि कोई फर्स्ट मटेरियल आए तो पता चलेगा क्या है, लेकिन ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। बाकी गाइस एक चीज जरूर है कि टाइगर 3 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अभी ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ड्रॉप इस वजह से बिल्कुल भी नहीं आया कि रिव्यूज आंखें पीछे है, ड्रॉप आया दिवाली की वजह से। अभी गाइस रिव्यूज ऐसे ही होंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी ऐसे ही होगी। लेकिन अब मैं भाई साहब सोच रहा हूं कि क्या ये फिल्म 1000 करोड़ कमा सकती है, तो मुझे लगता है नहीं जी, क्योंकि रिव्यूज बहुत आगे पीछे हो चुका है। देखो पठान ने, जवान ने 1000 करोड़ क्यों कमाए, क्योंकि भाई उसके 99% रिव्यूज पॉजिटिव थे, इवन के मैं 100% भी बोलूं तो ये, और जो रिव्यूज दे रहा था वो उसका एक अलग ही क्रेज था। लेकिन टाइगर 3 के टाइम भाई साहब कुछ नहीं, तो बहुत मेरे जैसा, मुझे फिल्म अच्छी लगी है भाई, क्या शाहरुख का कैमियो था या फिर वो क्या ऋतिक का कैमियो था, स्टोरी भाई आप लोग कटरीना कैफ की एक्टिंग देखो, वो क्या माइंड ब्लोइंग एक्टिंग करेंगे भाई, इमरान हाशमी जैसा विलेन आपको मिलेगा, सलमान भाई तो है ही भाई जान, तो ये सारी चीजें हैं। तो भाई अब जब आपको इतनी चीजें मिल रही हैं तो क्या वो फिल्म नहीं अच्छी? पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते हैं भाई साहब, समझ नहीं आती। लेकिन ये चीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बहुत इफेक्ट करने वाली है, तो मुझे नहीं लग रहा कि 1000 करोड़ कर पाएगी, लेकिन अगर कर जाती है तो एक अलग लेवल होगा। बाकी गाइस देखते हैं कि ये फिल्म अब नेट कलेक्शन कितनी करती है। मैंने तो अपनी प्रेडिक्शन पहले यही लगा दी कि 500 करोड़ तो हिंदी से कमाएगी, बट अभी देखते हैं कि क्या होता है। सो वेट करते हैं कल मंडे का, आज तो चले दिवाली है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो आई चल जाएंगे, लेकिन फिल्म ने एक्चुअली में कल मंडे से चलना है, तो कल मंडे को इसका कैसा रेस्पॉन्स है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक के लिए इतना ही, होप सब वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रख दिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।